महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर सोमवार को महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी के नेतृत्व में नोटबंदी के 2 वर्ष पूर्ण होने पर नोटबंदी को काला दिवस के रूप में महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता एवं समस्त पदाधिकारियों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर नोटबंदी का विरोध करते हुए काला दिवस के रूप में मनाया। नोटबंदी के कार्यक्रम के दौरान मदन त्रिपाठी, दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, ब्रज नारायण शर्मा, उमेश खन्ना, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, अनूप मिश्रा, प्रमुख प्रवक्ता दिलीप कुमार निषाद, हाफिज फयाज, उज्जैर खान, राणा राहुल सिंह, सुमित पांडे, महेंद्र मोहन तिवारी, मार्कंडे सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अरुण कुमार अग्रहरी ने कहा, नोटबंदी वापस लो। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जिंदाबाद। नोटबंदी वापस लो। नोटबंदी हाय हाय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरुण कुमार अग्रहरी, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। आज का ये प्रदर्शन महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज से ठीक 2 साल पहले 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र के नाम संदेश में जो देश के लोगों या उन्होंने अचानक जो बड़े नोट थे 500 के 1000 का वो प्रचलन बंद करके दिया, जिससे देश में एक अस्थिरता का माहौल बना और इस नोटबंदी के पीछे उन्होंने जो जो भी कारण बतलाए निश्चित रूप से कोई भी कारण पूरी तरह से या आंशिक तरीके से भी वो सफल नहीं हुआ, चाहे वो नक्सलवाद रोकने के लिए हो, चाहे आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए हो, चाहे काला धन जो मार्केट में हो वो बाहर लाने के लिए हो। निश्चित रूप से आज भी आतंकवादी गतिविधियाँ जारी हैं, सीमा पर हमारे सैनिक दिन प्रतिदिन शहीद हो रहे हैं, नक्सलाइट का हमला अभी कल ही छत्तीसगढ़ में हुआ है, काला धन कोई आया नहीं, तो निश्चित रूप से उन्होंने देश के साथ एक बहुत ही नासमझी भरा फैसला लेके मजाक करने का काम किया। उनके इस फैसले से करोड़ों की संख्या में जो लघु उद्योगी थे, मध्यम उद्योग थे, नौकरियों वाले लोग थे, छोटे तबके के लोग थे, ये लोग सड़क पर आ गए और तमाम ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित हो गए, तमाम लोगों की शादियां रुक गई, 105 लोग लाइन में लग के मर गए। तो इससे साबित होता है को नरेंद्र मोदी जी देश की शासन नहीं चला रहे हैं, बल्कि वो एक बैठकर वहां पर मजाक करने का काम कर रहे हैं, देश के लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। और उसी नोटबंदी के दूसरे बरसी पर हम समस्त कांग्रेस जन आज प्रदर्शन करके उनके इस गलती के लिए देश की जनता को और उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं को आने वाला इतिहास, आने वाले दिन आपको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा आपके इस निर्णय के पीछे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने विद्वान हो, चाहे वो विदेश नीति की बात हो, चाहे वो आर्थिक हो, अब तो इस पर जो भी हमारे अर्थशास्त्री थे या RBI के गवर्नर थे, पूर्व गवर्नर श्री रघुराम राजन जी का भी बयान आ गया कि नोटबंदी के वजह से GDP जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें बहुत सुस्ती आई, GDP के वजह से रोजगार धंधे चौपट हो गए और आज जितना जो भी GDP चाहिए या विकास दर चाहिए, जब इकोनॉमिक मतलब ग्लोबल पूरे ग्लोबल में इकोनॉमिक रेट दर ऊपर जा रहा है, ऐसे समय भारत में नीचे आ रहा, निश्चित रूप से 130 या 135 करोड़ आबादी वाले देश के लिए ये निश्चित रूप से एक अंधकारमय भविष्य की ओर मतलब उसको इंगित करता है। ये सारी चीज़